यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता, यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है, सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं, और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और जाड़ू पार्टियां दो है लेकिन दुकान एक ही है, जो अब जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। सारी पुरानी यादें, और मैं देख रहा हूं आज मुझे काफी पुराने पुराने साथियों के दर्शन करने का भी अवसर मिला है। जब भी मैं पंजाब आता हूं, पंजाब से ये स्नेह और बढ़ जाता है। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जनता जनार्दन ने मोहर लगा दी है कि फिर एक बार पंजाब भी अच्छे से जानता है कि उसे अपना वोट बेकार नहीं करना है। और आप तो जानते हैं, वोट उसे दीजिए जो सरकार बनाए, वोट उसे दीजिए जो विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर चला हो। और इसके लिए जरूरी है फेरिकवार। भाइयों बहनों, 24 का ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को मजबूत बनाने का चुनाव है, और देश के सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास न नेता है न नियत है, एक तरफ मोदी है जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज ही के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन
भारत ने अणु विस्फोट करके अपनी ताकत का परिचय करवाया था। साथियों, एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा। इंडी गठबंधन समाज को, देश को बांटना चाहता है, लेकिन मोदी भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। और इसलिए मैं आज पंजाब की धरती पर, पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो, या फिर देश का विकास, पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। यहां के लोगों ने खेती से लेकर उद्यमिता तक देश के विकास को नेतृत्व दिया है। लेकिन साथियों, कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और जाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दे, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं।
और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जो आप जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन को न विकास की परवाह है और न ही हमारी विरासत की चिंता। आजादी के बाद दूसरे दिन ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर का निर्माण रोका। अब जब मंदिर बन गया तो ये मंदिर को गालियां दे रहे हैं। आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना हवाई अड्डा करता है। लेकिन इन्हें हर उस बात से नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए